नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से। दोस्तों, अगर आप अपनी लाइफ में कुछ नया सीखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिएगा। दोस्तों, सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय भूल से भी ना करें ये गलतियां। पुराणों के अनुसार कहा जाता है कि संसार के समस्त मानव को स्नान करने के पश्चात सूर्यदेव को अवश्य जल चढ़ाना चाहिए। तांबे के लोटे से जल चढ़ाना बहुत ही अच्छा माना जाता है। जल के साथ अक्षत एवं फूल मिश्रित कर सूर्यदेव को जल चढ़ाने से सूर्यदेव बहुत ही जल्दी प्रसन्न होते हैं। जल को चढ़ाते समय सूर्यदेव के मंत्र का उच्चारण भी करना चाहिए, इससे मन में सकारात्मक ऊर्जा प्रवेश करती है। जिन लोगों का स्वास्थ्य अक्सर खराब होता है, यदि वे लोग हर सुबह स्नान करने के उपरांत सूर्यदेव को जल चढ़ाते हैं तो उनको स्वास्थ्य से संबंधित जितनी भी समस्या होती है उन सभी का निवारण प्राप्त हो सकता है। बहुत से लोगों की कुंडली में सूर्य की दशा ठीक नहीं होती, इन लोगों को अवश्य ही रोजाना स्नान करने के पश्चात सूर्यदेव को जल चढ़ाना चाहिए। इससे उनके घर में जो भी खराबी है उसमें सुधार आ सकता है। सवाल ये है कि सूर्य भगवान को कैसे जल चढ़ाएं एवं कब जल चढ़ाएं। चलिए अब हम बात करते हैं कि सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय हमें किन बातों का ध्यान रखना चाहिए। यदि आप सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय ये गलतियां कर रहे हैं तो सूर्यदेव को जल चढ़ाना और ना चढ़ाना एक समान है। आइए जानते हैं सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय होने वाली गलतियों के बारे में। हो सकता है कि इन्हीं गलतियों के कारण आपके रोजाना सूर्यदेव को जल देने से भी आपको किसी भी तरह का कोई लाभ प्राप्त नहीं हो पा रहा है। लेकिन दोस्तों, उससे पहले आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, दोस्तों को शेयर कर दीजिएगा और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा। सबसे पहली बात, पूर्व की ओर मुख रखें। सूर्यदेव को हमेशा पूर्व की ओर मुख रख के जल चढ़ाना चाहिए। जल चढ़ाते समय उस जल की छींटें आपके पैरों के ऊपर नहीं पड़नी चाहिए। हमेशा इस बात का ध्यान रखिए कि जहां से भी आप जल चढ़ा रहे हैं उस स्थान से सूर्यदेव को देने वाले अर्घ्य का जल आपके पैर में किसी भी हाल में नहीं गिरना चाहिए। अगर जल चढ़ाते वक्त आपके पैर में वो जल गिरता है तो ये अच्छी बात नहीं है, क्योंकि इससे सूर्यदेव क्रोधित हो जाते हैं, आपके ऊपर किसी की अशुभ दृष्टि भी पड़ सकती है। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय सूर्यदेव के इस मंत्र का जाप करें, ओम सूर्याय नमः। दूसरी बात, बिना स्नान किए जल ना चढ़ाएं। भूल से भी ये गलती ना करें, बिना स्नान किए सूर्यदेव को जल ना चढ़ाएं। सूर्यदेव को स्वच्छता बेहद ही पसंद है, ऐसे में यदि आप बिना स्नान किए उन्हें जल चढ़ाएंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आप जिस कारण से उन्हें जल चढ़ा रहे थे उस कार्य में भी आप असफल हो जाएंगे। तीसरी बात, ताम्र पात्र का उपयोग। आजकल प्लास्टिक का बड़ा फैशन चल रहा है। प्लास्टिक की किसी भी प्रकार की चीजों से सूर्यदेव को जल बिल्कुल भी अर्पित ना करें। इसके अलावा स्टील, पीतल, कांच इत्यादि पात्रों का भी प्रयोग ना करें। सूर्यदेव को जल चढ़ाने के लिए हमेशा ताम्र पात्र का प्रयोग करना चाहिए। इसके पीछे वैज्ञानिक कारण ये भी है कि सूर्यदेव की उष्णता से प्लास्टिक से कुछ जहरीली गैसें निकलती है जो हमारी सेहत के लिए भी अच्छी नहीं होती। चौथी बात, ब्रह्म मुहूर्त में ही अर्पित करें जल। कोशिश करें कि ब्रह्म मुहूर्त में ही आप सूर्यदेव को जल अर्पित करें। ब्रह्म मुहूर्त का समय अर्थात सुबह के 3 से 5 बजे का समय सूर्यदेव को जल अर्पण करने का सबसे अच्छा समय माना जाता है। जल चढ़ाने से पूर्व आपकी नियमित क्रियाकलाप भी पूर्ण होनी चाहिए। आप स्वच्छ वस्त्र पहनकर ही सूर्य को अर्घ्य दें। ऐसा करने से नवग्रह की कृपा जल चढ़ाने वाले व्यक्ति के ऊपर सदैव बनी रहती है। पांचवी बात, अक्षत एवं फूल अवश्य हों। सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय जल में अक्षत, रोली, फूल अवश्य होने चाहिए। अगर आपके पास कुछ भी नहीं है तो अक्षत से काम चला सकते हैं, बस खाली सिर्फ जल ना चढ़ाएं। छठी बात, हाथ सिर के ऊपर रखें। हमेशा अपने हाथ को सिर के ऊपर रखकर ही सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। जब जल की धारा सूर्यदेव को अर्पित करते वक्त गिरती है तो उसी धारा से सूर्यदेव को देखना चाहिए। कहा जाता है कि ऐसा करने से व्यक्ति के ऊपर सूर्यदेव की कृपा बनी रहती है।
एवं व्यक्ति के मन में सकारात्मक ऊर्जा भी प्रवेश करती है। सातवीं बात, चप्पल ना पहने। भूल से भी आपके पैर में चप्पल नहीं होनी चाहिए। यदि आप सूर्यदेव को चप्पल पहनकर जल अर्पण करेंगे तो वो आपसे रुष्ट हो जाएंगे और आपके जितने भी काम रुके हुए हैं वो सभी काम भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमेशा सूर्यदेव को नंगे पैरों में रहकर ही जल अर्पित करें। आठवीं बात, रविवार के दिन अवश्य जल चढ़ाएं। आप हर दिन सूर्यदेव को जल चढ़ाएं या ना चढ़ाएं, लेकिन रविवार के दिन सूर्य को जल अवश्य चढ़ाना चाहिए, क्योंकि रविवार का दिन सूर्य भगवान का दिन होता है। इस दिन को अवश्य ही हर व्यक्ति को सूर्यदेव को जल अर्पित करना चाहिए। इससे यदि आपकी कुंडली में किसी प्रकार का कोई सूर्य से संबंधित दोष है तो वो दोष गुण में परिवर्तित हो जाएगा। नौवीं बात, सादा भोजन लें। यदि आप सूर्यदेव को हर दिन जल चढ़ाते हैं तो इस बात का अवश्य ध्यान रखिए कि आप रविवार के दिन मांसाहार का सेवन ना करें। लाल रंग की सब्जी, मसूर की दाल ना खाएं। यदि आप रविवार के दिन मिष्टान्न ग्रहण करते हैं तो ये बहुत ही अच्छी बात है। रविवार के दिन लाल कपड़े भूल से भी ना पहने। तो दोस्तों, ये थी वो तमाम बातें जो सूर्यदेव को जल चढ़ाते समय ध्यान में रखनी चाहिए। आज के लिए बस इतना ही। दोस्तों, अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिएगा, दोस्तों को शेयर जरूर करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबाइएगा ताकि आने वाला नॉलेजेबल वीडियो आपको सबसे पहले मिले। दोस्तों, मिलते हैं अगले वीडियो में। तब तक के लिए गुड बाय एंड थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो।